बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर। आज के लेक्चर में हम प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पब्लिक असेस मॉडिफायर एंड प्राइवेट असेस मॉडिफायर। पब्लिक असेस मॉडिफायर और प्राइवेट असेस मॉडिफायर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पब्लिक असेस मॉडिफायर में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी क्लास को, मेथड को, या कंस्ट्रक्टर को, या इंटरफेस को जब हम डिक्लेयर पब्लिकली करते हैं, तो उसको हम असेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर क्लास। लाइक हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया में, FB पर जब हम कोई स्टेटस लगाते हैं, जब हम उसको पब्लिकली लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा कहीं से भी आकर उसको असेस कर सकता है, कहीं कोई भी आके हमारी उस पोस्ट को या हमारे उस स्टेटस को देख सकता है, तो उसको हमने पब्लिकली किया होता है। प्राइवेट असेस मॉडिफायर में ये होता है कि मेथड्स, वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर जब हम उनको प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम असेस कर सकते हैं विद इन द क्लास। लाइक सोशल मीडिया सेम एज इट इज़, जब हम किसी पोस्ट को प्राइवेटली लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारे फ्रेंड्स देख सकते हैं, या जिनको हमने शो करवाना होता है वो देख सकते हैं, या ओनली मी की प्राइवेसी भी लगाई जा सकती है। सेम एज इट इज़ आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर्स में ये होता है कि वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स विच आर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इन अ सुपर क्लास कैन बी असेस्ड ओनली बाय द सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस। वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर जिनको हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करा होता है सुपर क्लास में, जब जो हमारी सबसे ऊपर वाली क्लास होती है सुपर क्लास, जब भी हम उसको सुपर क्लास में, सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, जब भी हम इसको पेरेंट क्लास में या सुपर क्लास में जब हम इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, कैन बी असेस्ड ओनली बाय द सब क्लासेस, तो उसको सिर्फ उसकी जितनी भी सब क्लासेस हैं उनमें असेस कर सकते हैं, इन अदर पैकेजेस और एनी अदर क्लास, विद इन द पैकेज ऑफ द प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास, और किसी दूसरे पैकेज के अंदर भी कर सकते हैं, विद इन द पैकेज ऑफ द प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास, जो कि उसी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर में मौजूद हो। द प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ क्लास एंड इंटरफेस। जो प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर होता है उसको हम किसी भी क्लास के क्लास में और जो इंटरफेस होता है उसके अंदर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मेथड्स, फील्ड्स कैन बी डिक्लेयर प्रोटेक्टेड। हमारे जो मेथड्स होते हैं और जो फील्ड्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्लास होती है और जो इंटरफेस होती है उनको हम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाउएवर, मेथड्स एंड फील्ड्स इन इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर प्रोटेक्टेड। लेकिन जितने भी मेथड्स एंड फील्ड्स होते हैं इंटरफेस में उनको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड असेस गिव्स द सब क्लास अ चांसेस टू यूज़ द हेल्पर मेथड और वेरिएबल्स। प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो सब क्लास जो होती है उनको चांस देते हैं टू यूज़ द हेल्पर मेथड्स और वेरिएबल्स, के वो हेल्पर मेथड्स को या वेरिएबल्स को यूज़ कर सकें, वाइल प्रिवेंटिंग अ नॉन रिलेटेड क्लास फ्रॉम ट्राइंग टू यूज़ इट। लेकिन वो उसको मना करते हैं नॉन रिलेटेड क्लास, जो कि हमारी क्लास उसके रिलेटेड नहीं होती, उसको यूज़ करने से वो प्रिवेंट करता है, उसको रोक रहा होता है कि उसको यूज़ ना करे। जो भी हमारे क्लास के अंदर जो हमारी सुपर क्लास है और उसके नीचे सब क्लासेज है, सिर्फ उनको वो प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन जो उसके नॉन रिलेटेड है उसको हम प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग पेरेंट क्लास यूजेस प्रोटेक्टेड असेस कंट्रोल टू अलाउ इट्स चाइल्ड क्लास ओवरराइड ओपन स्पीकर मेथड। ओवरराइड स्पीकर, ओवरराइड हमने करा है, ओपन स्पीकर मेथड हमने यहाँ पे पास करा है, और पेरेंट क्लास जो थी उसको हमने यूज़ किया है प्रोटेक्टेड असेस कंट्रोल। प्रोटेक्टेड बुलियन ओपन स्पीकर हमने यहाँ पे एक मेथड पास किया है, और हमने आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दी है। क्लास में हमने की है स्ट्रीमिंग ऑडियो प्लेयर, और फिर बुलियन में हमने दिया है ओपन स्पीकर, और फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो देखते हैं, हेयर वी डिफाइन ओपन स्पीकर मेथड एज अ प्राइवेट। ओपन स्पीकर मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एज अ प्राइवेट, उसको हमने प्राइवेट रख दिया है। देन इट वुड नॉट बी एसेसिबल फ्रॉम एनी अदर देन ऑडियो प्लेयर। लेकिन ये सिर्फ ऑडियो प्लेयर के अलावा कहीं भी हम उसको असेस नहीं कर सकते। इफ़ वी डिफाइन इट एज अ पब्लिक, लेकिन अगर हम इसको पब्लिकली डिफाइन करते देन इट वुड बिकम असेसिबल टू ऑल द आउटसाइड वर्ल्ड। जब हम इसको पब्लिकली करते तो ये आउटसाइड वर्ल्ड हर क्लास से, हर सुपर क्लास से, जितनी भी उसकी क्लासेस थी सबसे उसको असेस कर सकता था। बट आवर इंटेंशन इज टू एक्सपोज दैट
एक्सपोज दिस मैथड टू इट्स सब क्लास ओनली, लेकिन हमारी इंटेंशन ये है कि हमारा जो मैथड है वो सिर्फ सब क्लास को असेस कर सके, उसमें सुपर क्लास भी नहीं आएगी। दैट्स वाई वी हैव यूज प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, उसके लिए हमने प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को यूज़ किया है ताकि हम उसकी सिर्फ सुपर क्लास को असेस कर सके। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है, एक हमने ये डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हमने दिया है प्राइवेट, जैसा कि हमारे पास रूम है, सिर्फ इसकी असेस इसी रूम के अंदर है। फिर हमने किया है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में इसकी असेस रूम के बाहर और पब्लिक के अंदर है। और जब हमने इसको पब्लिकली किया है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी इसको असेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड के अंदर भी, प्राइवेट के अंदर भी। पब्लिकली मतलब किसी चीज़ का खुला मुखला, कुछ भी कहीं भी वो उसको असेस कर सकता है, किसी भी चीज़ को कहीं भी। आगे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट असेस मॉडिफायर, नो कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट असेस मॉडिफायर मीन्स वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली क्लियरली या ओपनली डिक्लेयर एन असेस मॉडिफायर फॉर अ क्लास फील्ड और मैथड एट्सेट्रा। डिफ़ॉल्ट असेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्लास को या फील्ड को या मेथड को हम ओपनली या क्लियरली असेस नहीं कर सकते। अ वेरिएबल और अ मेथड डिक्लेयर्ड विदाउट एनी असेस कंट्रोल मॉडिफायर, जब भी हम किसी वेरिएबल्स को या मेथड को डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी असेस कंट्रोल मॉडिफायर इज अवेलेबल टू एनी क्लास, जब हम उस पर असेस कंट्रोल नहीं लगाते तो उसको हम किसी भी क्लास के अंदर उसी के सेम पैकेज के अंदर असेस कर सकते हैं। द फील्ड्स इन एन इंटरफेस आर implicitly public, static, final, and the method in an interface are by default public. जो फील्ड होती हैं इंटरफेस के अंदर उसको हम कर लेते हैं पब्लिकली स्टैटिक फाइनल, और जो मैथड होता है इंटरफेस के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे आगे जावा की डेक्सिनेशन क्या होती है, जावा के पैकेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कीवर्ड कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।